जब भी हम बाइक या कोई कार खरीदते हैं तो हमेशा ये जरूर पूछते हैं ये कितना माइलेज देता है या फिर एक लीटर ईंधन में कितना किलोमीटर चलता है। जिस तरह बाइक और कार में ईंधन जलता है ठीक उसी तरह जहाज और हेलीकॉप्टर में भी ईंधन जलता है। पर क्या आपको यह पता है कि एक लीटर ईंधन में कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर कितना दूरी तय करता है। तो इस वीडियो को पूरी देखते रहिए और मोटिवेशनल विज्ञान इतिहास तथा फैक्ट जैसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। आजकल लोग दुनिया भर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हवाई जहाज का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि जहाज एक लीटर ईंधन में कितना माइलेज देता है। आखिर इतना बड़ा और इतना भारी जहाज एक किलोमीटर उड़ने में कितना ईंधन की खपत करता है। यह सब जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। हम सब जानते हैं कि अधिकतर बाइक या कार 30 से 80 किलोमीटर का माइलेज देता है, लेकिन जितना बड़ा वाहन उतना ज़्यादा ईंधन की खपत। अगर हम बात करें 747 हवाई जहाज की तो यह विमान प्रति सेकंड में 4 लीटर ईंधन का खर्च करता है और 1 किलोमीटर में 12 लीटर ईंधन की खपत करता है और यह जहाज 1 घंटे में लगभग 900 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर की। तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज की तरह ही उड़ता है, लेकिन इसकी बनावट हवाई जहाज से अलग होती है। हवाई जहाज के उड़ने के लिए जेट इंजन का सहारा लेती है, जबकि हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए पंखे जैसी ब्लेड का सहारा लेता है। इसके अलावा दोनों में काफ़ी अंतर है। दुनिया में हेलीकॉप्टर अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ इतने बड़े होते हैं कि वह कार को भी अपने साथ उड़ा सकते हैं, जबकि कुछ इतने छोटे होते हैं जिसमें 4 से 6 लोग ही बैठ सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे रोबिनसन R44 रोबेन 2 हेलीकॉप्टर के बारे में। इस हेलीकॉप्टर की कंपनी इसके बारे में कई जानकारियां बताई है, जिसके मुताबिक यह हेलीकॉप्टर 1 घंटे में लगभग 180 किलोमीटर का दूरी तय कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में फ्यूल के 2 टैंक होते हैं। मुख्यतः टैंक में कैपेसिटी 120 लीटर, सी टैंक की कैपेसिटी 70 लीटर होता है। यह हेलीकॉप्टर 1 लीटर फ्यूल में लगभग 3 से 4 किलोमीटर उड़ान भर सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।